नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज की कोविड अपडेट सामने आ चुकी है और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुखप्रीत सर। आज कितने मामले, किन किन इलाकों से ये मामले सामने आए? जी नमस्कार गुरप्रीत, आज हमारे पास 7 जो केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से अंबाला सिटी में से 0, अंबाला कैंट में से 3, चौड़मसपुर में 1, बराड़ा में 1 और मौलाना में 2 केस सामने आए हैं। कुल आज 15 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। अब तक के कुल पॉजिटिव जो केसेज हैं वो 30,025 हो गए हैं और अब हमारे ज़िले में एक्टिव केस जो हैं वो सिर्फ 87 रह गए हैं। डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 29,431 हो गई है और मृतक मरीजों की संख्या 507 हो गई है। जी, टेस्टिंग कितनी की जा रही है? देखिए गुरप्रीत, हम पिछले आपने देखा होगा कि हमारे पिछले कई दिनों से जो है वो केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अंबाला ने टेस्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम ऑन एन एवरेज पिछले 20-25 दिन से लगातार 2500 से ऊपर सैंपल जो है वो ले रहे हैं, जिसमें से कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से ले रहे हैं। तो इससे दिख रहा है कि नो डाउट अभी कोविड का जो थोड़ा सा इन्फेक्शन है वो कम हुआ है जिले में। जी सर, तीसरी लहर की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। एम्स के डायरेक्टर ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर ढील बरती गई तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। किस तरह से आप इससे प्रिकॉशंस ले रहे हैं? देखिए, तीसरी लहर जिस तरह से लोगों ने दोबारा सब कुछ भूल भाल के मास्क उतार के घूमना शुरू कर दिया है, वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में आती हुई हमें लग रहा है कि आएगी। हो सकता है कि 6 से 8 हफ्ते हो जाएं अगर लोग ठीक ठाक रहेंगे तो। बट हम यही लोगों से आग्रह करते हैं कि मास्क पहनना ना छोड़ें, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में ना जाएं, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। कोरोना अभी गया नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्का दुक्का केस हर किसी बेल्ट से रोज़ आ रहे हैं। सर, डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात की जा रही है कि वो ज़्यादा फैल रहा है, इसको लेकर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और ये कोरोना से पहले से ज़्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? देखिए, जो कोविड का वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस में म्यूटेशन जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसी तरह से जो ये कोरोना वायरस का जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला वायरस है और महाराष्ट्र में इसके केस मिल रहे हैं। अभी तक हरियाणा में इसकी डेल्टा प्लस की पुष्टि जो है नहीं हुई है, लेकिन अगर यही हाल रहा, आवाजाही ऐसी चलती रही, तो बहुत ही जल्द हम भी इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर बताएं कि जिले में कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, अभी आज तक का तो डाटा, आज का डाटा हमें अभी आना है, आज की रिपोर्ट, लेकिन कल के रिपोर्ट के हिसाब से हमने 5,76,000 से ऊपर वैक्सीनेशन जो है वो कर दी है, जिसमें से लगभग 1,30,000 लोगों को हमारी दोनों की दोनों डोज लग चुकी है। सर, गांव में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन किस तरह से की जा रही है? देखिए, हमने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और जो भी हमारी वैक्सीनेशन है उस पर पूरा जोर दे रखा है और आज से हमने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें कि हम हर एक फैक्ट्री में, हर एक संस्था में जाकर उनके जो है अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करेंगे। तो ये थे डॉक्टर सुखप्रीत, जिन्होंने हमें आज की कोविड अपडेट के बारे में जानकारी दी और साथ में ही डॉक्टर सुखप्रीत ने कहा कि जिस तरह से लोग सब कुछ भूलकर फिर से लापरवाह हो गए हैं और बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आना लाजमी है। तो गुजारिश आपसे यही रहेगी कि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो मास्क जरूर पहने और कोविड के सभी बचाव के नियमों का पालन करें। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मास्क तो जिंदगी है, इसे पहने रखिए और देखते रहिए अंबाला न्यूज़।